गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इलेवेंथ। आज नई प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम है गणितीय आगमन के सिद्धांत की सहायता से सवालों को प्रूव करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। इसमें दो मेथड सवाल हैं, दो तरीके के, दो विधियों से। इन सवालों को हमने अलग अलग लिख दिए हैं, पहले एक विधि सारे सवाल देख लीजिए। ठीक, किताब में आपकी एक ही प्रश्नावली लेकिन उस प्रश्नावली को हमने दो भागों में बांट दिया है। तो उस प्रश्नावली में 4.1 डाला मैंने, एक डालेंगे 4.2। 4.1 में एक मेथड सवाल, 4.2 में दूसरे मेथड सवाल। ध्यान दीजिए, सवाल हम पढ़ रहे हैं, दिया गया है गणितीय आगमन की सहायता से, गणितीय आगमन की सहायता से सिद्ध कीजिए। ए, सेवन एन माइनस थ्री एन चार से विभाजित है, चार से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले बनाएंगे, लिखेंगे पी एन बराबर सेवन एन माइनस थ्री एन, समीकरण नंबर एक। यहाँ लिखेंगे जब एन बराबर वन, फर्स्ट पार्ट। तो जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ वन लिख दिया, सेवन वन थ्री वन। तो सेवन माइनस थ्री बराबर चार, ठीक। प्राप्त मान चार से विभाजित है, अतः n बराबर वन के लिए कथन सत्य है। फिर देखिए, लिखेंगे प्राप्त मान चार से विभाजित है, अतः n बराबर वन के लिए कथन सत्य है। फिर सेकंड पार्ट मानेंगे, जब n बराबर k, n का मान के समीकरण एक में रख दीजिए, पी के बराबर सेवन के माइनस थ्री। k का मतलब भी वन ही होता है, k का मतलब वन टू, अगर वन रखेंगे तो फिर वही पढ़ के आ जाएगा। लिखेंगे प्राप्त मान निश्चित चार से विभाजित है, अतः एन वन एन बराबर के लिए कथन निश्चित सत्य है। अब थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, अब थर्ड पार्ट, स्टेप नंबर थर्ड। क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे n बराबर k प्लस वन। अब p k प्लस वन बराबर सेवन k प्लस वन माइनस थ्री k प्लस वन। फिर से देख लीजिए सवाल वाला, इसमें तीन स्टेप होंगे, पहला दूसरा सरल है, तीसरा भी थोड़ा सरल है। ध्यान दीजिए, जो सवाल दिया गया है उसको पी एन के बराबर मान लेंगे, एक बार एन बराबर वन रखेंगे, एक बार एन बराबर के रखेंगे, करेक्ट, तीसरी बार एन बराबर के प्लस वन रखेंगे। तो हमको ये स्टेप निश्चित सत्य, ये भी सत्य, यही दोनों स्टेप इसमें दिखाने हैं। कैसे, अगर हम सेवन की पावर के और सेवन दिखाएं तो हम इसको ऐसा भी सकते हैं सेवन सेवन के, राइट, क्लियर। फिर अगले स्टेप पे देखिए, ये सेवन कॉमन दिखा दीजिए, यही लिख दीजिए सेवन की पावर के और थ्री की पावर के, क्लियर। फिर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, सेवन की पावर के वन को अलग अलग कर लेंगे, इस सेवन को आगे कर दिया, सेवन बाहर दिखा दें, बाकी यहाँ लिख दीजिए। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कहाँ देख के लिखा है, यहाँ से देख कर,
इसमें इसमें गुणा करेंगे यह आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस सेवन थ्री के। अगर ये घटाया है तो इतना ही जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी काम सेवन थ्री के, ऊपर वाले को भी थ्री के और थ्री लिख दीजिए, माइनस थ्री थ्री के, ये साथ में तीन जाएगा आ जाएगा चार थ्री के। देखिए ये कथन सत्य है, ये भी सत्य है, सत्य हो गया है प्राप्त मान में दोनों पद चार से विभाजित है, अतः n बराबर k प्लस वन के लिए कथन सत्य है। ये सवाल हुआ, नोट कर लीजिए, फिर यहां चेंज करिए सवाल। सवाल नंबर बी, इकतालीस की पावर n माइनस चौदह की पावर n किससे विभाजित, सत्ताईस से। इस सवाल में यही करेंगे, इकतालीस की पावर n चौदह की पावर n, फिर आइए यहाँ रखिए n की जगह वन, इकतालीस वन चौदह वन, इकतालीस माइनस चौदह, ग्यारह में चाहिए सात और तीन में चाहिए दो, क्या लिखोगे, प्राप्त मान चार से सत्ताईस से विभाजित है, अतः n बराबर वन के लिए कथन सत्य है। स्टेप नंबर टू, इकतालीस के माइनस चौदह के सेम जाएगा, यहाँ लिख दीजिए सत्ताईस, यहाँ आइए फिर देखिए यहाँ लिखेंगे k प्लस वन, इकतालीस के प्लस वन माइनस चौदह के प्लस वन, फिर वही क्रम करेंगे, इकतालीस के इकतालीस, इकतालीस आगे इकतालीस के, इकतालीस कामा दिखाइए और ये चीज छाप दीजिए ब्रेकेट, इकतालीस के माइनस चौदह के गुणा करिए, ये आ जाएगा यहाँ इकतालीस चौदह के, ये घटाया तो ये जोड़ना पड़ेगा, इकतालीस चौदह के माइनस चौदह, यहाँ आइए इकतालीस चौदह के प्लस इकतालीस चौदह के, चौदह के चौदह तो चौदह चौदह के घटा दीजिए, सत्ताईस चौदह के, ये विभाजित है ये विभाजित है, क्लियर, देख लिया सही तरीके बिल्कुल। सवाल नंबर डी, ई सेवन की पावर टू एन प्लस टू की पावर टू एन माइनस थ्री डॉट थ्री की पावर एन माइनस वन कितने से विभाजित है, पच्चीस से।
25 से विभाजित है। सेवन की पावर 2n प्लस 2n माइनस 3 डॉट 3n माइनस 1, n बराबर 1, पी 1, 7 इंटू 1, 2 इंटू 1 माइनस 3, 3 1 माइनस 1, 7, 47, इसको देखिए, ये सवाल कुछ गलत लिख गया है। ये सवाल गलत लिख गया है, इन्हें कुछ गड़बड़ है। एफ एफ दिया है 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8 एन माइनस एन 8 से विभाजित। अब लिखिए 3 2 एन प्लस 2 माइनस 8 एन माइनस 9। अब रखिए 3 2 इंटू 1 प्लस 2 8 इंटू 1 माइनस 9, 2 दूनी 4 9 और 17, 3 त्रिका 9 9 81 माइनस 17, आगे ग्रह में 7 गया 4 और 7 में से 1 गया 6 और 8 गुणे 8 8 से विभाजित है। ठीक, यहाँ रखिए ये 3 पावर 2 के प्लस 2 8 के माइनस 9, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के लिख दिया। इसमें रखिए 3 की पावर 2 के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 के प्लस 1 माइनस 9। ध्यान दीजिए 2 के प्लस 2, क्लियर, यहाँ 3 के प्लस 2 चाहिए हमको उसको देखकर। तो 3 की पावर 2 अलग, 3 की पावर 2 के प्लस 2 9, 3 की पावर 2 के प्लस ये लिख दीजिए 8 के माइनस 9, यहाँ 9 अट्ठे 72 के माइनस का तो प्लस का, 9 9 81 माइनस का तो ये 81 प्लस का, फिर आइए क्लियर, इतना जोड़ेंगे इतना घटाएंगे, यहाँ 8 के माइनस 8 9, माइनस 8 के 9 और 17, 72 आठ गया 64 और ये 64 के, फिर लिखिए 9 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 और 64 कॉमन के प्लस 1। प्राप्त मान के दोनों पद 8 से
विभाजित है, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। नोट कर लीजिए, ये देखिए सेवन की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3 डॉट 3n माइनस 1। फिर देखिए ध्यान से, सेवन की पावर 2n, 2 की पावर 3n माइनस 3 डॉट 3n माइनस 1। रखिए सेवन 2 × 1 = 2, 3 × 3 और 3 × 1 − 1, 7 की पावर 2, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 7 × 7 = 49, 1 × 1 = 50, 25 से विभाजित है, तो 25 × 2 यहाँ 25 से विभाजित, यहाँ लिखिए। फिर ये सवाल बच रहा है, 7 की पावर 2k + 2 की पावर 3k − 3 k − 1। अब जो है इसी में k प्लस 1 में, लिखिए 7 2k + 1 + 2 3k + 1 − 3 डॉट 3 की पावर k + 1 − इस पे ध्यान दीजिए, 7 की पावर 2k + 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2k, ठीक। अब ये चीज़ पूरी छाप दीजिए, 7² कॉमन लेके 7 की पावर 2k + 2 की पावर 3k − 3 डॉट 3k − 1, क्लियर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा +7² 3k − 3 डॉट 3k − 1, इतना जोड़ा जितना घटाएंगे ठीक। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, 3k + 3 − 3 और k − 1 + 1, इससे हम लोग प्लस 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3k − 3, यहाँ देखिए डॉट 3 3 की पावर k − 1, यहाँ देखिए 7 × 7 = 49, 2 3k − 3 डॉट k − 1, 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, 3k − 3 और 3k − 1, क्लियर। 49 × 24 गया तो आ जाएगा 25, 3k − 3 3k − 1, और ये 7² 7 2k + 3k − 3 डॉट 3k − 1, ये 25 से विभाजित है। ए से लेकर एफ तक 6 सवाल, दैट्स ऑल, आज का काम इतना काफ़ी है।
बाकी सवाल कल। ये प्रश्नावली 4.1 दो दिन पढ़ाएंगे, 4.2 दो दिन। आज आधे सवाल कर दिए, कल आधे, ठीक, डेढ़ सवाल।